सर्दियां आ गई हैं और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, और इन सर्दियों में आपके घर को गर्म रखने के लिए आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टॉप 3 बेस्ट ऑयल हीटर इन इंडिया 2023 का। ऑयल हीटर के बारे में कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ऑयल हीटर को रूम के अंदर चलाने पर रूम की नमी या मॉइस्चर खत्म नहीं होता है, और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक हीटर रूम के अंदर ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है। ऑयल हीटर रूम को गर्म करने में 40 से 45 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन एक बार जब रूम अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसे बंद करने के बाद भी रूम 4 से 5 घंटे तक गर्म रहता है। ये एयर कंडीशन की तरह काम करता है। अगर आपका रूम साइज 100 से 120 स्क्वायर फीट है तो आपको 9 फिन ऑयल हीटर लेना चाहिए। अगर आपका रूम साइज 120 से 150 स्क्वायर फीट है तो आपको 11 फिन ऑयल हीटर लेना चाहिए, और आपका रूम साइज 150 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है तो आपको 13 फिन ऑयल हीटर लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में जिन ऑयल रूम हीटर्स का आपस में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, उनमें सबसे पहला है हेवल्स 11 फिन ऑयल हीटर, दूसरा है बजाज मैजेस्टी 11 फिन ऑयल हीटर, और तीसरा है मॉर्फी रिचर्ड्स 11 फिन ऑयल हीटर। तीनों ही ऑयल हीटर में आपको 2900 वॉट की पावर मिलेगी, जिसमें 2500 वॉट का ऑयल हीटर और 400 वॉट का पीटीसी फैन हीटर मिलता है। पीटीसी फैन होने की वजह से ऑयल हीटर रूम को तुरंत गर्म करना शुरू कर देगा। तीनों ही हीटर में आपको 3 हीट सेटिंग देखने को मिलेगी, और तीनों में ही आपको एडजस्टेबल थर्मोस्टेट देखने को मिलेगा। सेफ्टी की बात करें तो तीनों ही ऑयल हीटर में आपको टिल्ट प्रोटेक्शन मिलेगी, ऑटो थर्मल शट ऑफ मिलेगा, और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिलती है। तीनों ही हीटर में आपको मेटल बॉडी मिलती है, और तीनों ही में कैस्टर व्हील्स एंड कॉर्ड वाइंडर भी मिलता है। तीनों ही ऑयल हीटर ISI सर्टिफाइड है। हेवल्स और बजाज के हीटर का वेट है 17 kg, जबकि मॉर्फी रिचर्ड्स के हीटर का वेट है 14 kg। हेवल्स और मॉर्फी रिचर्ड्स के हीटर पर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, जबकि बजाज के हीटर पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। आप हेवल्स के 11 फिन ऑयल हीटर को अमेजोन से लगभग 9,100 रुपए में खरीद सकते हैं। बजाज के 11 फिन ऑयल हीटर को अमेजोन से लगभग 8,450 रुपए में खरीद सकते हैं, और मॉर्फी रिचर्ड्स के 11 फिन ऑयल हीटर को अमेजोन से लगभग 8,999 रुपए में खरीद सकते हैं। तीनों ही ऑयल हीटर के बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि तीनों ही ऑयल हीटर्स के फीचर सेम टू सेम हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। इनमें डिफरेंस है बिल्ड क्वालिटी का, वारंटी का और प्राइस का। इन तीनों में मैंने नंबर 1 पोजीशन पर रखा है बजाज मैजेस्टी ऑयल हीटर को। इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, सबसे कम प्राइस है, और सबसे ज्यादा 3 साल की वारंटी मिलती है। आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं, ये एक शानदार प्रोडक्ट है। नंबर 2 पोजीशन पर है हेवल्स का ऑयल हीटर। ये भी बजाज की तरह एक शानदार हीटर है, लेकिन कम वारंटी और ज्यादा प्राइस होने की वजह से इसे मैंने नंबर 2 पर रखा है। और नंबर 3 पोजीशन पर है मॉर्फी रिचर्ड्स का ऑयल हीटर। इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है बजाज और हेवल्स के कंपैरिजन में, और बजाज से ज्यादा प्राइस है और कम वारंटी मिलती है, इसीलिए ये 3rd पोजीशन पर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तीनों ऑयल हीटर्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह दिए गए हैं। आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से किसी को भी खरीद सकते हैं। इस वीडियो में जो भी प्राइस मैंने आपको बताए हैं वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल unique.com को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।